हाय गाइस, वेलकम टू द फूडी फॉलोअर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जयपुर की फेमस आलू प्याज पनीर और साथ में बेजड़ की रोटी। बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही फेमस ये सब्जी और रोटी है। तो बनाइए डिलीशियस रेसिपी, वो भी घर पे बहुत ही आसानी से। तो आइए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं आलू। अगर आपको दम आलू वाले छोटे आलू मिल जाते हैं ना, तो आप वो यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज नॉर्मल आलू लीजिए और उनको बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिए। तो ये देखिए गाइस, ये आलू रेडी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने छोटे प्याज मेरे पास थे तो मैंने वो ले लिए। अगर आपके पास प्याज भी बड़े हैं तो उन्हें भी दो दो पीस में काट लीजिए। और फिर अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को रखना है हमें लो टू मीडियम। हाई फ्लेम पे अगर आप आलू को फ्राई करेंगे तो ये बाहर से तो एकदम पक जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कीजिए। कब तक? जब तक ये पक नहीं जाए और इन पे बहुत अच्छी नाइस गोल्डन ब्राउन कवरिंग ना आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे आलू रेडी है। आलू को निकाल दीजिए और इसी तेल में फ्राई कीजिए हमारे छोटे वाले प्याज। तो प्याज को तो बिल्कुल हमें लो फ्लेम पे पकाना है। तेज पे पकाएंगे तो प्याज जल जाएंगे बहुत जल्दी से, और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं लो फ्लेम पर भी। प्याज की लेयर्स एक दूसरे से हटने लगे तो मतलब प्याज भी रेडी है। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए लीजिए 4 टेबलस्पून ऑयल, उसमें डालिए 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, थोड़ा सा हींग, और उसमें डालिए साबुत काली मिर्च, साबुत लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और यहाँ पर साबुत हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट लिया है। सबको सौते कीजिए अच्छे से। और अब हम इसमें डालते हैं प्याज। तो प्याज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी है वो मोस्टली अनियन बेस्ड है। ज़्यादा करके हम प्याज का ही इसमें यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारा इसमें बारीक कटा हुआ मैंने प्याज लिया है, और प्याज को हम लगातार भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज अपना कलर चेंज ना कर ले। अच्छा गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन तक जब तक नहीं आ जाता, तब तक हमें प्याज को पकाना है। तो जैसे ही प्याज पकने जैसा हो जाए 80%, उस स्टेज पे डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हमें इसे 5 मिनट तक और पकाना है। तो सारी चीज़ें जब पक जाएंगी अच्छे से, तब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। सारे मसालों को डालकर अच्छे से भून लीजिए लो फ्लेम पर। और जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज टमाटर लिए थे और उसकी मैंने प्यूरी अब इसमें डाल देती हूँ। प्यूरी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कीजिए सारी चीज़ों को, और फिर हम इसे ढक्कन लगा के पकने छोड़ देंगे। कब तक? जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और एक अच्छी लेयर ना आ जाए ऑयल की पूरी ग्रेवी के ऊपर। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला बनके रेडी हुआ है, ऑयल सेपरेट हो चुका है ग्रेवी से। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा अपना फ्लेवर होता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे साबुत मसाले डाल दिए थे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे फ्राइड आलू और जो अनियंस हैं, वो जो ग्रेवी का मॉइस्चर होता है वो उसे एब्जॉर्ब करेंगे। तो पानी डाल के इसे अच्छे से पकने दीजिए। तो जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तीनों चीज़ें रेडी है, पनीर क्यूब्स, हमारे फ्राइड अनियंस और फ्राइड पटेटोज यानी कि आलू।
तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे तैयार करके रख लिया है। तो ये देखिए अब ग्रेवी भी बनके अच्छे से रेडी है और सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए। तो गाइज एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप सब्जी बना रहे हैं और उसे इंस्टेंटली खाना है तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मेरी वाली रखिए, क्योंकि मैं बनाते ही इसे यूज़ कर लूँगी। लेकिन आप किसी फंक्शन के लिए बना रहे हैं या बनाने के 3 से 4 घंटे बाद इसे यूज़ करेंगे तो ग्रेवी में पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के पकाइएगा, क्योंकि सब्जी को हम जब छोड़ देते हैं ना तो आलू बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये ग्रेवी एकदम सूखी सूखी हो जाएगी आपके बाद में। तो ये देखिए इसे ढक के 2 मिनट के लिए और कुक होने दीजिए और आपकी ऑथेंटिक जयपुर की फेमस आलू प्याज पनीर की सब्जी रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी लाजवाब लग रही है। और इसको स्वाद दुगना करने के लिए साथ में हम बनाते हैं बेजड़ की रोटी। तो आइए बेजड़ की रोटी बनाते हैं। तो इसके लिए 1 कप जौ का आटा, 1/4 कप बेसन का आटा और 1/2 कप गेहूं का आटा, साथ में थोड़ा सा नमक। और अब गुनगुने पानी से धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो गाइज बहुत ही पौष्टिक ये रोटी होती है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि जौ में बहुत अच्छा फाइबर होता है, बेसन के भी बहुत अच्छे अपने न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होते हैं। तो आपको बहुत अच्छी ये चपाती लगेगी। तो एक बार आटा लग जाएगा तो इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो 15 मिनट रेस्ट करने के बाद में आटा एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छा ये आटा लगा है। तो अब मैं आपको एक पोर्शन लेके दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको गोल गोल इस तरीके से एक राउंड बॉल बना लेनी है, जो हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं उसके लिए जैसे हम लोई बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बस डिफरेंस इतना है कि चपाती हम पतली बनाते हैं और छोटी बनाते हैं, ये चपाती थोड़ी मोटी बनती है। मोटी इसलिए क्योंकि जौ के आटे की अगर आप पतली चपाती बनाएंगे तो वो एकदम सख्त बन जाएगी। तो ये देखिए राउंड चपाती मैंने बेल ली है और इस चपाती को अब हम डालेंगे एक गरम तवे पे। तो तवे पे हमें क्या करना है, एक तरफ से सिक जाएगी पलटना है, दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से सेकना है, फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है। और अब तेज फ्लेम पे हम इसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये चपाती अच्छे से फूल जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे सेकेंगे और बहुत अच्छा इसके ऊपर एक नाइस गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर कलर आएगा। तो गरम चपाती रेडी है, बिल्कुल इसके ऊपर अब लगाइए देसी घी लगाइए अच्छे से। और देसी घी लगा के फिर हम क्या करेंगे, इसे बस अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो अब आपको जयपुर की फेमस आलू प्याज पनीर की सब्जी और बेजड़ की रोटी खाने के लिए जयपुर आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप घर में बनाइए, वही स्वाद बिल्कुल सब कुछ वैसा ही लगेगा आपको। तो ट्राई कीजिए ज़बरदस्त रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।